नमस्कार दोस्तों, बिंदास एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। देखिए, थोड़ा सा लेट हो जाता है क्वेश्चन आपको एकत्रित करने में, क्योंकि 12-1 बजे तक मेरा क्लास रहता है और हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ही में सारे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन होता है, जितने भी शिफ्ट, 3 शिफ्ट अभी हो रहा है, तो सभी शिफ्ट का एक साथ हम क्वेश्चन आपको दे सकूँ। तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर लेंगे। और देखिए, जैसा कि हमने पीछे बोला था कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट कर रहा है, और जो क्वेश्चन आपको पूछा है उससे रिलेटेड आगे पीछे आप पढ़ के जाइएगा, अगर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, आगे देने वाले हैं तो। क्योंकि देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है नीति की फुल फॉर्म पूछ दिया, और पिछले वाले एग्जाम में पूछा था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो क्वेश्चन एक बार जो डाल दिया है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी वीडियो अगर लोड करे तो आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म बताइए। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और कालिदास पुरस्कार किसको दिया गया था, ठीक है, राम गोपाल को दिया गया था। कालिदास पुरस्कार राम गोपाल को दिया गया था। बजाज ऑटो के सीईओ, देखिए सीईओ तो पिछले बार भी पूछा था, इस बार बजाज ऑटो का पुत दिया है, तो रवि बजाज है इनका सीईओ, ठीक है। असम के राज्यपाल, ये तो एकदम फिक्स है, राज्यपाल पूछ रहा है आपको, तो असम के राज्यपाल आपका है जगदीश मुखी, ये तो पता ही होगा आप लोग को। चलिए, तो आइडिया मिल रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, लेवल क्या है। तो सरस्वती सम्मान किसे मिला था, तो सरस्वती सम्मान ये पूछ दिया है आपको कि सितांशु यश चंद्र को मिला है ये सरस्वती सम्मान अभी। तो और फिर ये क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट के आविष्कार कौन किए थे, तो डायनामाइट का आविष्कार आपका अल्फ्रेड नोबल है, ठीक है, डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबल। फिर पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक आपका है नागभट्ट प्रथम, ठीक है, नागभट्ट प्रथम है आपका। हैलोजन किस ग्रुप में आते हैं, देखिए रिपीट कर दिया क्वेश्चन आपको, पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, हैलोजन तो 17वें ग्रुप में है आपको। हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिगामेंट कहते हैं, हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। और ये आपका है कि हाइड्रोजन आयन की संख्या, ठीक है, आयन की संख्या तो प्रबल अम्लों में आपको ये अधिक होता है ये, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज, तो हाइड्रोजन की खोज किसने, देखिए आपको कैंडविस ने किया था, ठीक है। तो ये आपका है कि रक्त दाब का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से, ठीक है, होता है, तो यह है मैंडुला ओब्लिगेटा, ठीक है, इसका नाम है आपका मैंडुला ओब्लिगेटा। फिर नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार सबको पता है ये आपका खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको आ रहा है, यदि आपको अच्छी लग रही हो ये वीडियो तो आप लाइक कर दे इसको और शेयर कर दे दोस्तों के बीच, कि एग्जाम नहीं हुआ तो उसके बेनिफिट हो जाए। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और ये क्वेश्चन देखिए पूछ दिया है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है, Mg, ठीक है। दीन बंधु की उपाधि किसको मिली, तो दीन बंधु की उपाधि, देखिए इसमें काफी गलती कर देंगे आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो, दीन बंधु और देश बंधु दो अलग अलग क्वेश्चन है। दीन बंधु को उपाधि मिला था C.F. एंड्रू को, C.F. एंड्रू ध्यान दीजिएगा। और देश बंधु की उपाधि मिला था चित्रंदन दास को, क्वेश्चन आपका आया था कि दीन बंधु की उपाधि, तो इसका आंसर होगा C.F. एंड्रू, ठीक है। और देश बंधु का हो गया आज हो जाएगा आपका चित्रंदन दास, ये तो आपको सबको पता है, काफी क्लोज है, दोनों में कन्फ्यूजन है, जरा सा ध्यान नहीं देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। प्लूटो को ग्रह के सूची से कब हटा दिया गया, ये तो काफी चर्चा में रहा था क्वेश्चन, ये 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया था प्लूटो को सूची से, ग्रह के सूची से, पहले 9 था अब 8 हो गया है, ठीक है। पवन की गति को मापने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग होता है, तो एमिनोमीटर का प्रयोग होता है पवन की गति मापने के लिए। भूगोल का जनक, ठीक है, इरेक्टोक्सथनीज है इसका, भूगोल का जनक आपको इरेक्टोक्सथनीज, ठीक है, भूगोल का जनक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, देखिए एक क्वेश्चन ये भी बहुत फेमस है और ये भी क्वेश्चन हाल पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान इस बार पूछा है, करनाल कहाँ है, ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो हरियाणा में है करनाल, ध्यान दीजिएगा। इंटरपोल का मुख्यालय, ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय आपका है लियोन, और लियोन कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाला
देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है, ये तो बार बार एग्जाम जब होता है तो पूछता है, गुवाहाटी है, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, तो असम में है, ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन तो आपका असम है, ठीक है, गुवाहाटी। भरतपुर पंछी अभ्यारण, ठीक है, ये देखिए भरतपुर पंछी अभ्यारण कहाँ है, तो राजस्थान में ये है भरतपुर पंछी अभ्यारण आप देख लीजिए, अभी जब शुरू किया है तो ये पूछेगा ही, ठीक है। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है, ठीक है, रोल्ड गोल्ड जो हम लोग पहनते हैं, जो ज्वेलरी सोना की तरह दिखता है, लेकिन रोल्ड गोल्ड वो आपका कॉपर एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, ठीक है, रोल्ड गोल्ड, ये ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था नाइट्रोजन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आया है कि ओलंपिक 2020 कहाँ होगा, तो ये टोक्यो जापान में होगा आपका, ओलंपिक 2020 का खेल टोक्यो जापान में होगा। मछली के हृदय में कच्छ, ठीक है, कितना होता है, तो मछली के हृदय में दो कच्छ होता है आपको, ठीक है, दो कच्छ होता है। पौधे के मादा जनांग को क्या कहते हैं, तो वर्तिका कहते हैं या वर्तिकाग्र कहते हैं इसको, ठीक है। तो सभी शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो आप ध्यान से इसको देखिए, बहुत सारे अभी क्वेश्चन बाकी हैं, तो आप इसे लाइक कर दे ताकि हमारा उत्साह बने और हम डेली आपके लिए वीडियो एक साथ दे, एक ही साथ ऑल शिफ्ट का। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 20 मई 1498 में आया था, ठीक है। चिंचोटी वाटरफॉल कहाँ पर है, चिंचोटी वाटरफॉल महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखिए रिपीट कर सकता है। उत्तराखंड के गवर्नर, ये तो आपको एकदम फिक्स है, उत्तराखंड का गवर्नर आपका भी है बेबी रानी मौर्य, तो ये गवर्नर आपको राज्यपाल यानी पूछ रहा है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। अपना गाँव अपना काम स्लोगन किस राज्य का है, तो ये झारखंड का है, अपना गांव अपना काम स्लोगन ये आपका झारखंड राज्य का है। खेल मंत्री कौन है, तो राजवर्धन सिंह राठौर है, खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर है। गर्भावस्था के दौरान कौन सी हार्मोन प्रभावित होता है, तो ऑक्सीटोक्सिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है गर्भावस्था के दौरान। सेंट्रीपेंटल का फॉर्मूला, ठीक है, MV²/R सेंट्रीपेंटल का फॉर्मूला होता है आपको। परमाणु मूवी के डायरेक्टर, देखिए ये आपको मूवी का डायरेक्टर बाहुबली पीछे पूछा था आपको पद्मावत, ये काफी क्वेश्चन ये आपको जो पीछे जैसे से वो दिया है उससे रिलेटेड आपको पूछ रहा है बदल बदल कर, तो अभिषेक शर्मा है ये परमाणु मूवी के डायरेक्टर। हिमा दास ने एशियन गेम्स 2018 में कितने मेडल जीते थे, हिमा दास ने 3 मेडल जीते हैं, ठीक है। शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो शूटिंग वर्ल्ड कप आपका इंडिया में होगा, शूटिंग वर्ल्ड कप आपका इंडिया में ही होने वाला है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन कहाँ से आपको ये क्रिएट करेगा जो पहले से बना है, और इतना सारा शिफ्ट में एग्जाम है कि रिपीट करना एकदम स्वाभाविक है, तो आप इसे अगर देख कर जाएं और याद करके जाएं एग्जाम अगर आगे देने वाले हैं तो, और दोस्तों फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। ओजोन परत मापने की इकाई आपको है डॉप्सन यूनिट, ठीक है, ओजोन परत की इकाई आपका है डॉप्सन यूनिट से मापते हैं हम लोग। 2017 फीफा बेस्ट प्लेयर किसे मिला, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला था, ठीक है। गेटवे ऑफ द इंडिया कहां पर है, तो मुंबई में है गेटवे ऑफ द इंडिया मुंबई में। सेबी के सीईओ, देखिए हर शिफ्ट में एक सीईओ पूछ रहा है, तो सेबी के पूछा था अजय त्यागी है आपका, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। चलिए तो आगे देख है, सभी शिफ्ट के एक साथ है आपको, देखिए ये मैथ और रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन हमको मिला है जो आपको दिए हैं यहाँ पे, इसके सॉल्यूशन के लिए हम सारे जो भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है सॉल्यूशन हम आपको बोर्ड पे बना करके हम वीडियो आपको देंगे, और क्वेश्चन काफी इजी आया है, और हमारे बुक से तो काफी सारा क्वेश्चन, देखिए हमारे बुक का ये क्वेश्चन है जो आज एग्जाम में आया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए और इसको आप बना लीजिएगा, हम इस सारे का सोल्यूशन एक बार आपको देंगे, ठीक है। मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन आया था, एलसीएमएसएफ से भी आया था आपका, बहुभुज का एक क्वेश्चन आया था, ये आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, ठीक है, और ये आपको टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, तो इस तरह से लाभ हानि का एकदम देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है आपका, लाभ एक स्पेशन लागत में इतना, तो विक्रमण बताइए, इस तरह से आपको क्वेश्चन काफी आपको आ रहा है, तो आइडिया आपको है। रीजनिंग का देखिए यहाँ पे आपका सीरीज है, आंसर भी लिख दिए हैं, तो आप इसको देख लीजिए एक बार और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे इसी तरह से आपको वीडियो दें। अगर हमारे चैनल पे आप नए पहली बार आए हैं और नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को यानी घंटे बटन को ज़रूर आप दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको मिले। तो फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट
में एग्जामिनेशन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।